तो गाइस ये मेरे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के बनने के उपलक्ष्य में ये मेरी बेस्टी ने मुझे अरु की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये जो सीजन है ना गेहूँ कटता तो इसमें अमित और अरु दोनों को दिक्कत होती है। तो अभी मैं आई हूँ तो दादू पोता बैठे हुए हैं, उसको नेबलाइज वगैरह दादू ने किया हुआ है, खाना कुछ मतलब चुटपुट खिलाया हुआ है। तो अभी दोनों को दिखाती हूँ कैसे, मैं आके जस्ट ड्यूटी से अभी चेंज किया मैंने और मैं दिखाती हूँ दोनों आराम से एक रूम में लेटे हुए हैं। देखते अभी इसने जूस मंगा तो मैं जूस दे रही। अरु लो एक नंबर का नौटंकी है पूरा। कैसी है तबीयत अभी? अटैक ये मौसमी और अनार अभी कैसी बेटा तबीयत? ठीक है, बेटर हो पहले से? और पापा जी ने क्या खिलाया इसको? चॉकलेट चिकन और चॉकलेट। चिकन और चॉकलेट, पापा जी ने चिकन नगेट्स फ्राई करके दे दिया रुको, और चॉकलेट्स डेरी मिल्क खाता है वो भी ले आए थे। और दन आज दोनों सेम हो डैड, टी शर्ट्स ना आप लोगों की है? ये वाली ना आप लोगों की सेम है ना? चलो अच्छा लग रहा दादू के साथ? गुड ना, अकेला छोड़ना ठीक नहीं मिला। नहीं अकेले, वैसे अकेला नहीं छोड़ते रहे। मुझे लगा मैं यूज है। अच्छा पापा जी को हमने बताया नहीं था कि अरु को फिर मेरे को महसूस हुआ ऑटोमेटिकली आ गए। बाय डैड। बाय बिटिया, कल ड्यूटी बने के लिए मुझे फोन कर देना। ओके डैड। तो गाइस चले गए पापा जी, और चलो अच्छा यार, मतलब ना पापा को एक अलग ही इंट्यूशन हो जाती है। हमने बोला भी डैड को कि भाई हम लोगों को दिक्कत है या अरु अकेला है, तो फिर भी पापा देखो अपने आप ही ऑटोमेटिकली पापा खुद आए हैं, उनको एक इंट्यूशन हो जाती है कि मेरी रिक्वायरमेंट है यार। तो चलो अच्छा यार, मतलब यही चीज़ होती है कि इससे पता चलता है कितना प्यार करते हैं उनसे। हाँ ये रेडी हो रहा है डैड। तो पापा जी अभी चल पड़े हैं बैक टू पवेलियन, मेरे आने के बाद बापू जी की ड्यूटी खत्म। चलो बहुत प्यार किया है। थैंक यू यार। जो बड़ों का एक साया होता है ना बच्चों पे, वो एक अलग ही चीज है। बड़ों मतलब बच्चों पे भी सब पे ही होता है। अब जैसे पापा आया तो इतना रिलैक्स फील होता है कि नहीं है कोई अरु के पास, मतलब जो अरु को समझता है, अरु के लिए करता है, अरु का सब सोचता है ना। तो बड़ों का अलग एक आशीर्वाद हाथ होता है, भगवान सब पे बड़ों की कृपा बनाए रखता है। घर है हमारा एक और, तो वहाँ पे जो रेंट पे रह रहे थे वो हमने कुछ अभी चेंज किए हैं, तो उन्हीं से चाबी लेने जा रहे हैं। अभी किसी और को रेंट आउट करना हमें, तो अभी मैं अपने लॉक लेके जा रही हूँ वहाँ पे लगाने हैं, और उनसे रेंट वेंट लेकर आना। तो चलते एक बार आफ्टरनून है, मन तो नहीं कर रहा था मेरा जाने को, बट वो ये क्या करें मजबूरी है यार, उनके पास वो टाइम नहीं होता इतना कि वो बाद में आगे पीछे आए, और हमारे पास भी नहीं होता कि सारे टाइम हम अवेलेबल रहते जब बुला रहे तब। लिफ्ट काम नहीं कर रही। अरे देखो कैसे आई है नूला। नूला गाइस की हेलो करो। हाँ फ्रिज में ठंडा पानी बर्फ रखी है। यस ठंडा पानी भी रखा है। यस आ जा। ये देखो गाइस बेचारे क्या हाल। नूर ये नहीं तोड़ते, गंदी बात क्यों तोड़ा? ये देखो अमित ना अभी अभी आए, और आते ही देखो गाइस ये क्या पीते, ये देखो कोल्ड ड्रिंक आते ही बियर। हाँ बियर ना, सुनो बियर बोला है गम नहीं, चार घूट में तो पागलों की तरह वो करते हो। गाड़ी आप चला ना, कभी भी नहीं लाइफ में, मेरे को पता नहीं क्यों, मतलब मेरा मन नहीं करता ऐसे। नहीं है अमित भी कभी नहीं, अभी थोड़ी सी दिन से शौक चढ़ा इनको। बुलाएगा यही काम ये डॉक्टर की देखो, ये हेल्दी चीजें खाते हैं डॉक्टर, देखो हेल्दी है क्या ही है वो है। पूनम देख ले क्या बताना चाहेगी, क्या कहना चाहेगी पेशेंट को, क्या चाहिए डॉक्टर को, क्या चीजें नूर अंकल ने क्या पी रहे हैं जाके देख के आओ। अंकल क्या पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं अंकल? कॉक पी रहे हैं। आपको पीनी है कॉक? पीनी है जाओ चुरा के लाओ अंकल से।
ये पोटना आज ही मेरे को गिफ्ट में मिला है, संतोष ने गिफ्ट किया मुझे। हाँ तो गाइस दूध बॉयल हो गया, भिंडी रोटी और को खिला दी, मक्खन आके बनाऊंगी। अभी मैं एक बार पूनम के साथ जा रही हूँ, चलते हैं मार्केट। मार्केट थोड़ा सा काम है तो वो अरु उसकी नूर की थोड़ी सी अंडरगारमेंट्स लाने हैं और अरु के लिए पेन लाने हैं, उसको पेन चाहिए, आजकल वो पेन यूज़ करता है। तो एक आधी छोटी मोटी चीज़ और याद आ गई तो लाऊँगी। चलो चलते हैं। ठीक है, तो यक्ष को जो खाना बनाया था रखते हैं ना, उसको बता देना कहाँ पे है। हेलो, कैसे हो आप? कैसे हो, कब आए हो बे? अभी आए। हलवा का क्या है? हलवा का क्या? किसका? अच्छा, नाना गुजरने पे हलवा बनता है? दादा गुजरने। अच्छा, दादा गुजरने पे हलवा बनता? वो तो लड्डू बनते हुए ये क्या है? और अबे के दादा की डेथ हुई तो आज अभी आज कह रही। अच्छा, तो फिर बुजुर्ग होंगे ना काफी? हाँ, कितनी बड़ी, हाँ नौटंकी है ना ये, लेडीज करती हैं ऐसे रोना के नाटक, जबकि इनको दुख सॉन्ग सुन रही थी उस दिन भी। हाय राम, देख लो, और नौटंकी ऐसे करेंगे कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा दुख है। नौटंकी बंद नहीं होती, कितनी देर से मेरे को बोल रही थी 5 मिनट में चपड़ेगा, चल नहीं रही है। कैसे कटिंग कराएगी? नूर कटिंग कराएगी, मैं थ्रेडिंग कराऊंगी। चलो भैया आ जाओ, कटिंग करनी है। पहले मेरा कर दो, फिर इसका कर दो। पहले आंटी का थोड़ा सा हेयर कट लेने की जरूरत है, क्योंकि ये जो नीचे से है ना, ये ट्रिमिंग करा लूँगी इधर से भी और इधर से भी, क्योंकि थोड़ा सा इक्वल सा हो जाएगा, है ना नूर? पानी पानी है इसमें। करो नूर। नूर देखो अपना फेशियल में क्या करने लग रही है। इधर पूनम लगी पड़ी है, पूनम ने तो पूरा पैकेज लिया है, तो मुझे लगा कि बैठ के क्या ही फायदा, इससे तो बेटर है मैं भी हेयर स्पा थ्रेडिंग ये तो नहीं लेती हूँ। तो चलो, कुछ तो मुझे भी हुआ। इतना मजा आ रहा ना, मसाज हो रही है, हेड मसाज। हम लोगों को तो यही टाइम मिलता है जब हमारी सेवा होती है, अदरवाइज तो हम ही सबकी करते रहते हैं। गाइस, मैं हेयर स्पा भी ले रही हूँ अभी, क्योंकि पूनम का टाइम लगना था तो मुझे लगा हेयर स्पा ले लेती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। रिजल्ट भी इनका अच्छा बताते हैं, पहली बार ले रही हूँ मैं तो, देखते कैसा रहेगा। मुझे इस वाले टॉवल से ना बड़ी इरिटेशन हो रही थी, पता नहीं क्यों हो रही थी, तो मैंने चेंज करा लिया। इसको देखना, इसको देखना क्या कर रही है। हाँ बताओ भैया, बोलो भैया बोलो। उसके पास ही ले जाओ, उसी से करा ले। भैया आप ही बोल दो उनकी तरफ से। हाँ ये भैया न्यूजीलैंड से है। गाइस डमरू से बैठे हैं दोनों, खाना मंगाया नहीं आपने? क्यों, कैसे हो हैप्पी? क्यों क्यों थका है, क्या कराया? तो गाइस खूब सारा काम किया सारा दिन, ड्यूटी भी होगी, घर भी संभाल लिया, पार्लर भी जाया ही, और उसके बाद अभी यारों को संभाल लिया, पार्लर से आके डिनर विनर हो गया सबका, और डिनर हो गया,
अरु अभी सो गया है, अरु की तबीयत काफी बेटर है आज, और उसको थोड़ी सी मोन्टेर दी थी मैंने, वो दे दी है। अमित अभी जाग रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, और बस इसी के साथ आज व्लॉग की एंडिंग करते यहीं पर। खुश रहो, स्वस्थ रहो, जुड़े रहो, मस्त रहो, और देखते रहो व्लॉग। इसी के साथ बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, गुड नाइट।